ये पांडव देवी देवता जो है यही पहाड़ में है। पांडव नाचूंगा नहीं तो उनको दुख आएगा। सब लोग अच्छा मानते हैं। आप क्या मानेंगे? जो ये बर्फ नहीं गिर रहा इसी में देवी देवता है। अच्छी भूमि है, सुख भूमि है। नीचे देवी देवता नहीं है, वो बनावट देवता है। ये पत्थर बना दिया तो इसमें लिख दिया तो यही देवता है। यहाँ आप रूपी देवता है। तो लोग कहते थे रावणी बहुत दूर इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। हम सोचते थे ना, मन में बहुत सोचते थे बहुत दूर है, वहाँ कुछ मतलब सुविधा नहीं है, कैसा रहेंगे, क्या होगा। हमारी नीचे की प्लेन मतलब थोड़ा वैसी भाषा थी। तो यहाँ एकदम कैसे इनके साथ बोलूँ, भाषा भी इनकी अजीब थी, थोड़ा बदल के ना हट के क्या पहन रखा है इन्होंने। उठाए नहीं पा पांडव हमारा अच्छा है, गाय की रक्षा करेगी। ये पांडव दोष लगता है, ये जब पांडव ना जाएगा इसलिए साफ हो जाएगा, कुछ नहीं। ये हमारा पांडव है। गरवाल हो क्या था, सुधरो लाखड़ा गा पारा लो, काम ही काम है, रिलैक्स कुछ भी नहीं होता यहाँ। काम ही तो करना, काम पूरा होना चाहिए, और क्या चाहिए। ऐसी बुढ़ल ना, ये बहुत तेज बुढ़ल है, बहुत तेज बुढ़ी है। मैं तो सीधा है, लाता है, लाता है, लाता गुंगी मेरा उदुदा भी हो गया था। फिर धगड़े है, ये खान पान सारा, आना जाना, बात करना। अब बुढ़ापा आ गई तो यहीं रहूंगा, कहाँ जाऊंगा। जब तक जवान था दोनों तो जंगल जाते, पति को लाना, तुझे तो पता है ना, इसको लाना रात को आना नीचे से ऊपर। इतने काम करना, पूरा काम काम काम। आप तो बोलते, बहुत तो बोलते मरते हो, बस
बिल्कुल ऐसे है, फुलकी में चलती। अब क्या करना, बुढ़ा हो गया तो हैं, आज ये भी क्या होते। तो जब मेरी शादी हुई तो यहाँ सबसे पहले मतलब हाई स्कूल वाली बहू मैं ही आई। शादी के बाद मैंने इंटर किया। अब पहले उस जमाने में ऐसे करे, बहू पढ़ रही काम नहीं करेगी, घर में पूरा काम। तर रात को करती थी मैं पढ़ाई। रात को पढ़ाई, सुबह से शाम तक तो टाइम ही नहीं मिलता था। फिर रोटी खा खो कर रात का तब करती थी मैं पढ़ा, तब तक नींद आ जाती थी, फिर किताब को ऐसे ही रख देती। रश्मि क्या हो गया? तब तक मेरे बच्चे हो गए, तो 3-4 साल मुझे बच्चे ही पाले, छोटे छोटे थे, उनको टाइम पे दूध पिलाना, घर का काम करना, थोड़ा खेती का काम करना, फिर उनको नहलाना धुलाना। है हमारे इधर पहाड़ में ना देवी देवता है, जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़े वैसे वैसे देवता पहाड़ों में लुप्त होते गए। उसके बाद वो अपने मतलब स्पष्ट रूप नहीं दिखा सकते हैं। जितनी एक ढुवाल ये तो अच्छा माने, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः, आत्मतत्त्वं च सत्यसिद्धिर्देवि नमो नमः। देश में क्या माने, उन्हें तो दिखा नहीं। पादयो पादयामिं च हस्तयो अर्घयामि मुखे आत्मजलं समर्पयामि ऋभ्यं नमो नमः ईशगन्धं च अक्षतां समर्पयामि। से काम हो कुछ हो बस काम भी छूट जाएगा, पर वहां जाना जरूरी है। आज हमारे यहाँ पे बैराग नगरी है और यहाँ पे सारे गांव घर घर में जाते हैं, चाहे कोई से घर नहीं छोड़ते हैं। इकट्ठे होकर देवता के लिए जो होता है अपनी श्रद्धा, सब पहले ये आटा तेल घी इकट्ठा करते हैं। तो उन डंगरे लोगों को रोटी बनाते, वहीं खिलाते। गाँव के अंदर जो भी कार्य होता है तो सबकी सहमति से होता है, सब मिलजुल कर सब एक साथ उसको निभाना है। कल हमारे बच्चे हैं वो भी कहेंगे, हाँ मेरी मम्मी कहती थी कि वहाँ देवता है, वो भी मानता है। पर पहले के उससे तो बहुत परिवर्तन हो गया। विकास में है या विनाश में है, आजकल सभी लोग लिखा पढ़ा दुनिया में। पहले जमानों में सब घर ही रहता, अब सब चल गया यहाँ से, गांव में छोड़ दिया। अब घर में बस मियाँ बीवी हैं, बच्चे बाहर पढ़ाई के लिए गए,
जब वो फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़ाई के लिए गए तो बड़ा वाला लड़का मेरा 5 साल का था, छोटा वाला 4 साल का। जब घर से निकल गए तो यहाँ से दूर तक देखा तो उसके बाद नज़र से नहीं देखा तो मन उदास दिल उदास। मैं फोटो देखी या कपड़े लाती थी, रात को रोती थी, मैं बहुत उदास थी उसके बिना। 1-2 हफ्ते तो ऐसे ही पागल जैसे घूमते, खाने का मन नहीं करता था, बच्चों की याद ही बस ऐसे आती थी। अभी पढ़ाई की लाइफ में हो तब क्या होता है, ये भी यहाँ नहीं रहेगी ना, गांव में छोड़ दिया। नीचे से ऊपर आएगा तो नाचेगा, ना आएगा तो कहाँ से नाचेगा। जी हम बहुत बड़ा परिवार के साथ रहना, खाना, बोलना, चलना कैसा होगा, अकेला क्या हो पाएगा। जैसे हम सोचते हैं यार तुम तो उस जमाने के लिखे पड़े बहू हैं, घर का काम भी चल नहीं रहा है, हमारी तो एक पढ़ाई है, फिर भी हम अपने लाइफ में नहीं बना सके। कोशिश तो कर रहे हूँ, हिम्मत रखी तो सब कुछ हो जाता है। बच्चे भी बड़े हुए बाहर गए, मैं जेब भी खुला हुआ है, उसके बाद मैं नौकरी की लाइन पे गई। नौकरी के बाद थोड़ा बहुत खेती है, वो तो चल ही रहा है। जंगल में सब गए हिल मिल के अपना गाना गुना बस। तो घर का जो दुख है टेंशन है ना वो सब भूल जाते हैं। अच्छा लगता है, अकेला अच्छा नहीं रहता तो तब अच्छा लगता है। ऐसे एक साथ है तो मन बहुत खुश है के सब साथ है, ऐसे लगता है कि मैं साथ है। जून जागस इससे उतना असर नहीं पड़ता ना, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। वो ऐसे वो धुन सुनाई दे रही तो फिर थकान पता नहीं कहाँ चले जा रही, फिर जल्द तैयार होना फिर चले जाना। तो जैसे पांडव नृत्य हुआ, बोला इस पांडव नाचना है तो नाचे, सब इकट्ठे हो गए। तो सब थोड़े नहीं नाचते हैं, जिन पर आती है कंपन होती है वही नाचता है। वो ज्यादा थोड़ी सा 16-17 साल का था, वहां पे तो आग सेक रहा है, वो पकड़ के ला मेरे को कि भाई तो ना, मेरे बोल यार मेरे पास का नहीं है। अब लाया तो अब फिर खड़ा हो गया तो नाचना शुरू कर दिया। अपने आप नाचा, मैंने नहीं सोचा, बाजा बाजा ना अपने आप। Thank you.
जैसे जैसे कंपन आती, कंपन आती, ये तन मन धन सब चीज चाहिए। हल्का हो जाता है, थकान नहीं लगती, दुख नहीं आता, खिलता है, हंसता है दिल, ये मन हंसता है, नाचने में हंसता है। पहले तो थोड़ा दुख हुआ ना, अकेले क्या होगा, नौ दिन ऐसे करते हैं मजे में, लगता नहीं कि रात दिन कब गई। जब साथ में अब भूल गए वो दिन।